हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ हम देखेंगे उषा स्टडी पॉइंट में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चौथा यूनिट जो है दबाव समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक, जाति और राजनीति, चुनावी सुधार और अलगाव तथा समायोजन की राजनीति। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो और ख़ास तौर से ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कुछ लोगों का कहना था कि उसमें कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं आईआर वाले, वो तो इसमें नहीं है। तो पहले आप बेसिक से तो तैयारी करिए, 60% वाले तैयार करिए, फिर 30% जो थोड़े टफ एरिया हैं जब उसको स्पेशली टीजीटी पीजीटी को पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। पहले इस पर तो पकड़ मजबूत बनाइए, ये कहना है मेरा, ठीक है। और ये जो है सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है, तो वो स्टूडेंट तो इसको आप कोर्स पूरा देखें, रिवीजन करें, पढ़े हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसमें कुछ पॉइंट देती हूँ, एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो आपको हेल्प करता है। क्योंकि सुनी हुई चीज़ें कई बार आपको या न्यूज़ देखते हैं तो ज़्यादा याद रहती हैं, सिवाय इसके कि आप एक कोने में बैठ के टेबल चेयर पे पढ़े हैं, वो भी हेल्प करता है, लेकिन आप रिवीजन करते हैं तो ये भी अधिक हेल्प करता है, ऐसा मेरा भी अनुभव है। तो आप इसको जो है रिवाइज करके क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्ग हित की सिद्धि करते हैं। तो ऐसा जो है फ्रेडरिक का कहना है दबाव समूहों के बारे में, सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक दबाव समूहों को शैतान लाबिस्ट कहता है। तो ये बीओके के द्वारा ऐसा कहा गया है, और इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चलकर यह राजनीतिक दल बन गया, ऐसी कौन सी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी है, सही आंसर हो जाएगा सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, फाइनल ने जो है दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी, और इसमें ये क्वेश्चन कई बार आएगा, दो तीन बार तो आएगा ही। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, किसके माध्यम है, तो हित अभिव्यक्तिकरण के क्या है माध्यम है। दबाव समूह पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो उसको देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। तो देखिए उनका उद्देश्य होता है नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, इसीलिए इनका नाम ही पड़ा है दबाव समूह, क्योंकि ये अपने पक्ष में कार्य करवाने के लिए सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। सातवां क्वेश्चन है, आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं किस रूप में। तो दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, अपने हितों को मनवाने के लिए एकजुट होकर के क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्ता में अपनी पार्टी द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों को पुरस्कृत के प्रचलन को क्या कहा जाता है। तो इनामी प्रणाली कहा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है कि ऐसी पार्टियों के द्वारा अपने समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से जब पुरस्कृत किया जाएगा तो ऐसे प्रचलन को क्या कहा जाएगा। इनामी प्रणाली की आप अपने समर्थकों को इनाम स्वरूप जो है सरकारी ठेके दे रहे हैं पेट्रोल पंप के, या नौकरियाँ उनको दे रहे हैं, जैसे मायावती जी आई तो बोली कि लोअर कास्ट में हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे, तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि अमंड ने दबाव समूह का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो चार भागों में किया है। दसवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के आवश्यक साधन, लोकतंत्र को आवश्यक साधन किसने कहा है। तो माइनर विनर ने दबाव समूहों को क्या कहा है, लोकतंत्र का आवश्यक साधन कहा है। दबाव समूहों को लोकतंत्र का आवश्यक साधन किसने कहा, तो माइरन विनर ने कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसके सामने मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी है, दबाव समूहों को लाबी किस देश में कहा जाता है। तो अमेरिका में दबाव समूहों को लाबी कहा जाता है, और वहाँ लाबिंग एक बहुत ही फेमस ऐसा जो है एक कह सकते हैं शब्द है या प्रचलन है, वहाँ पे लॉबिंग की जाती है अक्सर वहाँ पे। बारहवां जो है कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के दबाव समूहों को सूचीबद्ध किसने किया है। राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के दबाव समूहों को सूचीबद्ध किसने किया है, रॉबर्ट डहल ने किया है, सही आंसर बी। किसने दबाव समूहों को तीसरा सदन कहा है, तो फाइनल ने ही कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कौन सा है, तो देखिए ये जो उल्फा है ना ये प्रदर्शनात्मक है, आप इनको जो है ऐसा जो है प्रदर्शन करते हुए नहीं देखेंगे, उल्फा जो है ये प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का उदाहरण है। सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह होती है, कहाँ पे, तो विकासशील देशों में, ठीक है। सेना क्या करती है, एक दबाव समूह के रूप में काम करती है, कि भारत में नहीं पाकिस्तान में ऐसा है। दबाव समूह का लक्षण क्या नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, तो जनहित संवर्धन उनका लक्षण नहीं है, जैसे जो जनता का हित है उसमें संवर्धन करना, उसमें वृद्धि करना उनका हित नहीं है, बल्कि जो हित है उन्हीं को ये एकत्रीकरण करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं और उसको पूरा करने के लिए सरकार से मांग करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, न कि जनहितों में वृद्धि करते हैं।
तो सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी इनका कार्यकाल अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऐसा नहीं है कि आप सदस्य नहीं बनेंगे, शिक्षक हैं और शिक्षक वाले दबाव समूह का सदस्य नहीं बनेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। इसमें 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो इस तरह के दबाव समूह जो है विकासशील देशों में अधिक पाए जाते हैं। प्रदर्शनात्मक टाइप के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो विकासशील देशों में अधिक पाए जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है, माइनर विनर की है, इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत। वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे ही समूहों को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शनात्मक समूह कहते हैं, क्योंकि ये भीड़ के रूप में और प्रदर्शन करते हैं अचानक ही प्रकट होकर, तो इन्हें ही हम प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह को अध्यक्ष सरकार की संज्ञा किसने दी, तो फाइनल ने दी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डी सही आंसर है। ये देखिए मैकलिन नहीं है, इस पर आप नहीं जाएंगे, फाइनल ने है, फाइनल ने कहा है दबाव समूह को क्या कहा है, अध्यक्ष सरकार। दबाव समूह को प्रभावक गुट किसने कहा है, तो एलन बॉल ने कहा है। दबाव समूह को प्रभावक गुट किसने कहा, एलन बॉल ने कहा है। द गवर्नमेंटल प्रोसेस किसकी पुस्तक है, डी वी ट्रूमैन की पुस्तक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, किसके माध्यम है, हित अभिव्यक्तिकरण के, ये क्या करते हैं, अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है, तो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, तभी तो इनका नाम दबाव समूह है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसने समूह के बारे में बात की है, तो मॉरिस डुवर्जर ने आभासी या कृत्रिम दबाव समूहों के बारे में बात की है। दबाव समूह राजनीति का कौन सा प्रतिरूप शक्ति के विस्तारण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है, तो देखिए जो बहुलवाद है ना, बहुलवाद क्या करता है, ये शक्ति के विकेंद्री, जब भी कहेगा शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करेगा तो शक्ति के विकेंद्रीकरण में देखिए बहुलवाद होता है। ये कहता है कि बहुत सारे संघों और समुदायों में शक्तियाँ जो हैं बटी हुई होती हैं, केवल एक केंद्र में, केवल एक राज्य में सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये को यहाँ से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे, और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है, तो ये बहुलवाद है। गुमनाम साम्राज्य जो है दबाव समूहों को किसने कहा, फाइनल ने कहा, ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका, अध्यक्ष सरकार, गुमनाम साम्राज्य, ये सारा फाइनल ने कहा है दबाव समूह के बारे में, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया, फाइनल फिर से। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने दबाव समूहों को सरकारी संचार सूत्री कहा है, तो रोडीगेर ने कहा है। द मार्कर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉरिस गिन्सबर्ग इस पुस्तक के लेखक हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए इनको जो है नोबल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन की ये पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का विचार, ये किताब अमर्त्य सेन जी ने लिखा था और इसके लिए इनको नोबल पुरस्कार मिला था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट कोचकिन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं, बहुत ही आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो देखिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में यही तो अंतर है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है चुनाव लड़के सरकार बनाना, लेकिन दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका काम होता है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पे अप्रतिमानित दबाव समूह के, ठीक है, अगर यहाँ प्रदर्शन दबाव समूह होता तो आप प्रदर्शनात्मक दबाव समूह लगाते, वो नहीं है तो अप्रतिमानित दबाव समूह है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, ये कह रहा है कि दबाव समूह राजनीति का कौन सा प्रतिरूप शक्ति के विस्तारण, देखिए शक्ति का विस्तारण आप ध्यान में रखेंगे तो बहुलवाद, क्या करता है बहुलवाद शक्तियों के विस्तारण की बात करता है, न कि केंद्रीकरण की। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, 37 नंबर क्वेश्चन है, तो निर्वाचन आयोग जानते हैं संवैधानिक निकाय है, आप इसको देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल में, इसका प्रावधान है 324 में। फिर वित्त आयोग 280 में, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में, तो ये सभी क्या हैं, संवैधानिक निकाय हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, सही है, इसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, तो देखिए जो चुनाव आयोग होता है राष्ट्रपति का तो चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, लेकिन नगर निगम का नहीं कराता है। आपने देखा था कि जो ग्राम पंचायत है और जो नगर पंचायत है जिसमें नगर निगम आता है, ये चुनाव राज्य सरकार कराता है, न कि भारत का चुनाव आयोग करवाता है,
ठीक है, तो बहुत आसान है इसके, अगर आपने तीसरा यूनिट पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने बताया भी था। तो इसमें सही आंसर कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, राज्य सरकार कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं, तो कुल 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ये। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है, तो ये मुख्य राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है, तो ग्राम पंचायत, दो चीज़ याद रखेंगे, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, इनका चुनाव जो है चुनाव आयोग नहीं कराएगा, ना ही मुख्य चुनाव आयुक्त कराएंगे, ये राज्य सरकार कराएगी, यानी राज्य सरकार में राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और जब केवल चुनाव आयोग की बात होगी, चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होगी, तो ये पूरे भारत के संदर्भ में बात होती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के 21 भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान है, तो भाग 16 में जो है इनके लिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, ये तथ्य जो है करने का अधिकार किसके पास है, कि कोई व्यक्ति एससी है या एसटी है, ये जो है ये घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है, सही आंसर हो जाएगा बी। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए दिया गया था, तो शुरुआत में 10 साल के लिए दिया गया था, 1950 में संविधान लागू हुआ, 10 साल के लिए इनको ये जो है इनको छूट दी गई थी, क्या कहते हैं, लोकसभा में सीटों का इनके लिए आरक्षण किया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और अब तो आप देखेंगे कि जो आंग्ल भारतीय है ना, जो दो मनोनीत होते हैं, उनको हटा दिया गया है, एस सी एस टी वाले को अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 338, सही आंसर हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। हालांकि ये जो ओबीसी पे जो है आयोग गठन करने की बात की जा रही थी, ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग से इसका संबंध है, सही आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण और प्रतिनिधित्व से। 50वां क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, तो वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जिसके तहत क्या किया गया था, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है, क्योंकि देखिए जब आप गठबंधन से सरकार बनाते हैं, मिली जुली सरकार बनाते हैं, तो आप अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो ऐसे में सरकार कैसी होती है, उसका रवैया ढीला ढाला होता है, एक मजबूत सरकार नहीं होती है, कठोर सरकार नहीं होती है, बल्कि कमज़ोर और ढीली सरकार होती है यदि वो गठबंधन वाली सरकार है तो। 52 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है, तो एक चौथाई देश यानी 25% देश ऐसे हैं जहाँ पे आज भी लोकतंत्र नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो देखिए कुल सीटों की संख्या तो 552 थी, 2020 में 104 संविधान संशोधन करके जो आंग्ल भारतीय हैं, दो सीटें जो उनको दी गई थी उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो बच गए 550, लेकिन जो अभी निर्वाचित हैं जितने पे चुनाव हुआ वो है 543, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा इस 53 वाले क्वेश्चन में बी, ठीक है, सी नहीं है, बी इसका आंसर है। फिर कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी, तो देखिए इसमें अराउंड उसको 206 सीटें प्राप्त हुई थी, और गठबंधन के साथ उसने 260 सीटों के साथ सरकार बनाया था। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये पुराना हो गया, नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 17वीं लोकसभा जिसमें बीजेपी ने जो है 303 सीटें जीती और 353 गठबंधन के साथ जो है सरकार बनाई, हालांकि इसको बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब है 50%+1, तो देखा जाए तो 550 में से 250 प्राप्त करने पे इनको बहुमत प्राप्त हो जाता है, लेकिन 303 है, फिर भी इन्होंने अपने साथियों के साथ जो है गठबंधन में सरकार बनाई।
55 नंबर क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो 33% आरक्षण देने का इनको प्रस्ताव है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत ये प्रस्ताव जो है लाया गया है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव चुनावी वर्ष है, तो देखिए क्वेश्चन पुराना है, वर्ष 2015 में पिछला चुनाव हुआ था, फिर उसका पिछला तो हो गया 2020, तो 2020 इसमें नहीं है विकल्प में। हालांकि अगर 2020 विकल्प में रहेगा तो 2020 सही होगा, क्योंकि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 33% सीटें आरक्षित होती हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को पंचायती राज में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या होते हैं? तो लोग जागरूक होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, जनरल पिनोसे की सरकार का संबंध किससे है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखना आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये वर्तमान में भी चिली के जो भी हैं राष्ट्रपति हैं या नहीं है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। लोकतांत्रिक सुधार का मतलब यह है कि लोगों में शक्तियों को बांटना, सहभागी करना, उनको सहभागी बनाना। तो पंचायती राज से अच्छा तो कोई विकल्प हो नहीं सकता, जमीनी स्तर पर लोग उससे जुड़ते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर क्वेश्चन, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से है, सही आंसर हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 वर्ष, सही आंसर हो जाएगा डी। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहते हैं? तो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाएगा इसको, ठीक है, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। उपचुनाव कराया जाता है, कब कराया जाता है? तो देखिए उपचुनाव जो है कभी भी कराए जा सकते हैं, अगर कोई सीट खाली हो जाती है किसी मृत्यु की वजह से या किसी अन्य कारण से कोई सीट खाली होती है, तो उसी समय क्या होता है कि उपचुनाव कराया जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सुकुमार सेन जो है, सेन शर्मा नहीं थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, सही आंसर हो जाएगा सी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, तो देखिए जब प्रथम चुनाव संपन्न हुआ सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर, उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी, ना कि 18 वर्ष तो घटा के की गई है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। शुरू में कितनी थी जो है वोटिंग की एज कितनी थी, मतदान करने की आयु कितनी थी? तो वो थी 21 ईयर। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, इंपॉर्टेंट है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मतदाताओं का पंजीकरण करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो चुनाव आयोग पे होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चुनाव सुधार से ये संबंधित हैं। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार का मतलब कि आमूल जुलूस में परिवर्तन कर देना, महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देना। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 जो है, जिसमें भारतीय विदेश नीति के बारे में बात कही गई है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि जो है कब हुई थी? 1971 में हुई थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाएगा ये। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1951 में। भारतीय विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए जहाँ मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे हर जगह पूछे जाएंगे, अगले क्लास में भी, कॉम्पिटिशन में भी, तो इसलिए उसको थोड़ा आप ध्यान देंगे, उसको हमेशा याद रखेंगे।
82 नंबर क्वेश्चन है, भारत रूस संबंधों में एक नया काल तब आया जब भारत रूस ने निम्न साझेदारी का निर्णय लिया, तो सामरिक साझेदारी का जब इन लोगों ने निर्णय लिया तब एक जो है क्या हुआ, नया काल आया, नया मोड़ आया इनके संबंधों में। भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है, फिर से क्वेश्चन गुटनिरपेक्षता पे आधारित है, इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है, तो गुजराल सिद्धांत पे आधारित है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और गुजराल सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हम पारस्परिक लाभ की इच्छा के बिना क्या करेंगे, अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करेंगे। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1954 में पंचशील सिद्धांत पंडित नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति थे चाउ इन लाई, उनके द्वारा मिल करके क्या किया गया, इसको साइन किया गया। 86 नंबर क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई ने असली गुटनिरपेक्षता का नारा कब दिया था, तो 1979 में दिया था, इम्पॉर्टेंट है ये भी। गुटनिरपेक्षता 1961 में आया था गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट, और 1977 में असली गुटनिरपेक्षता की बात की गई, नारा दिया गया मोरारजी देसाई जी के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन है, 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ, तो बांग्लादेश का जन्म हुआ, आप लोग जानते ही हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, तो शांति और मित्रता दोनों ही भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए, कब लगाए गए, तो 1998 में लगाए गए, अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध क्या किया गया, लगाया गया, क्योंकि इस समय भारत ने क्या किया था, अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, पहला जब किया था उस समय उसको लाया गया था, MTCR को लाया गया था, और इस समय जो है इसने फिर से प्रतिबंध लगा दिया भारत में, भारत पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी कहते हैं और मुस्लिम लीग भी कहते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये सभी से संबंधित है, चुनाव प्रक्रिया, हित समूह, राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रक्रिया, इन सभी से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, तो ये व्यापक होती है। 93 नंबर क्वेश्चन है, अमन और पाविल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह है, सुरक्षात्मक दबाव समूह नहीं है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, तो दबाव समूह देखिए अपने हितों के साधने के लिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं, दोनों ही साधन अपना सकते हैं और अपनाते भी हैं। मतदान व्यवहार किसका रूप है, 95 नंबर क्वेश्चन है, तो मतदान व्यवहार जो है ये कि मत करते समय वो उनका व्यवहार किन किन चीज़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार है कि कौन कौन सी जो सोशल, हालांकि इसमें सब होगा, आर्थिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें, ये सारे ही क्या करते हैं, उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, विकल्प इसमें सुटेबल नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, सेफोलॉजी कहता है, कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में पूछा है और बुक्स में भी मैंने इसको देखा था। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या है, तो जाति, वर्ग, धर्म, सभी क्या है, मतदान व्यवहार को ये सारी बातें प्रभावित करती हैं। एक व्यक्ति जब मत देने जाता है तो सोचता है कि हाँ अपनी जाति को दें या अपने धर्म को दें या अपने किसी वर्ग विशेष को दें, तो ये सारी बातें प्रभावित करती हैं उसको। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र यादव द्वारा इसको जो है प्रारंभ किया गया, सही आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 में भी पूछा गया है, 22-23 वाले एग्जाम में ध्यान रखेंगे 100। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है, तो अनुच्छेद 326 में जो है वयस्क मताधिकार की बात कही गई है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए चुनाव आयोग से संबंधित एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग और मताधिकार से संबंधित आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा यूनिट वाइज वीडियो मिल जाए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो बहुत तो लोग बार बार कमेंट, कुछ लोग हैं जो करते हैं कि नहीं बुक्स के क्वेश्चन उनको चाहिए, तो उसका एक कलेक्शन एक घंटे या अगर 2 घंटे का होगा तो 2-3 वीडियो में मैं बना दूंगी, आप उससे एक बार देख लीजिएगा, रिविज़न कर लीजिएगा। हालाँकि 90% से ज़्यादा यहाँ पर कवर आपका हो जाता है यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगला यूनिट जल्दी लेकर आएंगे हम लोग। धन्यवाद।